महत्वपूर्ण चीजें। पहली चीज कि आगामी 22 तारीख को जैसे हमारे बुजुर्ग कह के गए आपके बीच में कि जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस, साथियों जन सम्मान दिवस 106वां सम्मान दिवस चौधरी देवीलाल जी का रोहतक की पावन धरा पर 22 तारीख को मनाने का काम कर रहे हैं। और रोहतक का वही मैदान है जिसपे महीने पहले आज से भूपेंद्र हुड्डा ने और 10 दिन पहले प्रधानमंत्री ने रैली करने का काम किया कुर्सियों के ऊपर। साथियों ये इतिहास रहा है कि अपनी मीटिंग है तो कुर्सियों पर जरूर हो सकती है, मगर आज तक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा ने जब भी रैली करी है तो रैली तो मैदान को पूरी तौर पर खचा कर भरने की। और उसके लिए मैं तो आज आपकी जिम्मेवारी लगाने आया हूँ, सारे साथी जो पार्टी के मुख्य धारा के साथी हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि ये पावन पर्व जहाँ हम रोहतक के पशु मेला ग्राउंड पे बनाने जा रहे हैं, वहीं इस पावन पर्व के माध्यम से देवीलाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। वहीं हरियाणा प्रदेश के अंदर राजनीति में एक नया मुकाम तय करेंगे कि हम उस ग्राउंड को इतना भर देंगे कि 22 तारीख से पोलिंग दिन तक प्रदेश में अगर चर्चा होगी तो केवल मात्र जननायक जनता पार्टी की चर्चा होगी। और उसके लिए साथियों आज हमें घर घर जाना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति से संपर्क साधना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति के पास जाकर पार्टी संगठन को और मजबूत करने के प्रयास करने पड़ेंगे। मेरी तो विनती आपसे है कि जैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने नांगल चौधरी की समस्याएं बताने का काम किया, साथियों आज बारी बारी ये कहा जाता है कि बीजेपी की सरकार ईमानदार सरकार है, पर मैं हैरान हूँ कि आप में से कोई सा साथी इस बीजेपी की सरकार से जवाब नहीं मांगता। आप खुद सोचो क्या हालात इनने प्रदेश के बना रखे हैं, आपके यहाँ तो खदाने हैं नांगल चौधरी में तो खूब माइनिंग चलती है, किस तरीके से पहाड़ों को खा लिया गया, 5,000 करोड़ रुपए तो केवल मात्र ओवरलोडिंग का घोटाला सामने आया है, जो रिश्वतखोरी और करी जाती है उसका तो पता नहीं कितना बड़ा घोटाला होगा। मेरे को तो पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री के दामाद के नाम भी हजारों करोड़ों की टैक्स चोरी का नोटिस इशू हुआ और वो आज तक लापता है। ये साबित कर देती है कि ऐसे लुटेरे लोगों को कहीं ना कहीं ये पार्टी शह देने का भी काम कर रही है। साथियों वही दूसरी ओर चर्चा करें तो प्रदेश में रोजगार के क्या हालात हैं, आज प्रदेश को उठाकर देखो लोग रोजगार की बात किया करते थे कि हमने निष्पक्षता के साथ रोजगार देने का काम किया, हमने तो प्रदेश के अंदर पर्ची और खर्ची बंद कर दी, मगर उन्हीं की सरकार में सामने आता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपके पड़ोस के रेवाड़ी के अंदर 2.5 लाख में नायब तहसीलदार का पेपर बिकता हुआ पाया गया, लोग सलाखों के पीछे हैं फिर भी सरकार ईमानदार, जुडिशरी का पेपर 1-1 करोड़ से महंगा बिका फिर भी सरकार ईमानदार, SPO भर्ती हुए 80 उसके अंदर हरियाणा के केवल मात्र 2 निकले फिर भी कहते हैं सरकार ईमानदार, और तो और कहते ग्रुप डी ईमानदारी से हमने 17,000 लोग लगाए, ईमानदारी नहीं थी साथियों बेईमाना थी। अहिरवाल का इलाका तो हमारा शिक्षित इलाका है, पढ़ाई आज बहुत अच्छी है, आप खुद उठाकर देखो कि अगर ईमानदारी से नौकरी लगाई तो इनसे पूछ के जवाब लेने का काम करो कि क्या इनकी ईमानदारी ये थी कि BSc MCA MTech करे हुए बच्चों को आज इनने PN चपड़ासी लगाने का काम किया। साथियों हमारी दो बहनें ऊपर आई, मैंने उनसे पूछा क्या पढ़ रहे हो, एक MSc कर रही थी एक BSc कर रही, क्या इनके माँ बाप इनके ऊपर लाखों रुपए खर्चते हैं कि आगे जाकर किसी दफ्तर में जाकर PN चपड़ासी का काम करे या कहीं माड़ी धोबी की नौकरी करे। साथियों आज नौकरी सरकार बना सकती थी प्रोफेसर की असिस्टेंट लेक्चरारों की, मगर सरकार की नीयत देखो 700 ऐसी भर्तियां निकाली जिनको कैंसिल कर दिया गया ये कहते हुए कि अभी इसके अंदर सक्षम उम्मीदवार नहीं है, और पढ़े लिखे शिक्षित बच्चों को मजबूर किया। मैं एक बात किया तो सिरसा का मेरे सामने आया कि जहाँ वेटनरी विभाग में एक PhD करा हुआ बच्चा आज चपड़ासी लगा है। साथियों 7 साल की हायर एजुकेशन करने के बावजूद उस बच्चे को कोई फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास या थर्ड क्लास नहीं,
हमने फोर्थ ग्रेड की नौकरी देने का काम किया है। इस सरकार को बताना पड़ेगा कि गुड़गांव में जहाँ 17 लाख नौकरी है, हमारी हिस्सेदारी को आज केवल मात्र 3 लाख पे लाकर रोक दिया। ये भेदभाव हमारे हरियाणा के भविष्य के साथ भी सहन किया जाए, और उसके लिए मेरा निवेदन आपसे है, प्रार्थना है कि मौका बहुत अच्छा है, इस मौके को खोने का काम ना करो। अब आपकी जिम्मेवारी है, तमाम साथी आज से मैदान में उतरो, घर घर जाओ, और ये वादा मैं कर जाता हूँ कि राज प्रदेश में बढ़ा दो, जिस दिन प्रदेश में आपका राज बनेगा, हरियाणा प्रदेश के सरकारी हो, गैर सरकारी हो या प्राइवेट नौकरी हो, हर नौकरी के अंदर 75% हिस्सेदारी आपके बच्चों के देने का काम करेंगे। साथियों, एक जरूर विनती कहूंगा, क्योंकि बुजुर्ग बहुत बैठे हैं, आज इस सरकार ने हमारे चौधरी देवीलाल की चलाई हुई समान पेंशन को अपमान पेंशन में बदलने का काम किया, और हालात ऐसे पैदा कर दिए कि बुजुर्गों को दो दो महीने तक बैंकों के आगे बैठना पड़ता है कि मेरी पेंशन नहीं आई, और 2 महीने बाद भी सुबह जाकर बैठेंगे तो शाम को पता चलता है कि 1-2 हज़ार रुपये का नोट मिला। 80, 82, 85 साल के बुजुर्गों को जो आज बैंक में भेजना शुरू कर दिया इस खट्टर सरकार ने, उनका सम्मान नहीं, उनकी इस वृद्ध उम्र के अंदर भी उनका अपमान शुरू किया। ये वादा मैं करता हूँ पार्टी की ओर से, ये सपना डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का था कि प्रदेश की जब सरकार जननायक जनता पार्टी की होगी तो हरियाणा प्रदेश के अंदर बदलाव लाएगा। एक कर्मचारी 58 साल की उम्र में रिटायर होता है तो एक बुद्धे बुजुर्ग को 60 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं। हमारी चाची ताइयों को 55 साल और हमारे बुजुर्गों को 58 साल की उम्र में पेंशन घर बैठे देने का काम आपकी पार्टी करे। साथियों, दूसरी ओर पर कर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और किसान किसान नहीं, आज चाहे दूधिया हो चाहे और छोटे व्यवसाय चलाने वाला व्यक्ति, दिन प्रतिदिन इस आर्थिक मंदी का बोझ उसके ऊपर बढ़ता जा रहा है। और अगर इन सरकार में बैठे लोगों से पूछने का काम करो कि नौकरियां क्यों नहीं उपलब्ध हो रही, तो जवाब दिया जाता है कि हमारे यहाँ तो उबला ऊपर चलने लगी, उसकी वजह से नई गाड़ियां नहीं बिक रही, गाड़ियां उसकी वजह से नहीं, आज अर्थव्यवस्था के दिवालिया निकलने से पिट रही। आप तो गांव देहात के लोग हो, एक चीज याद करके देखो, अपने यहाँ पर सोना गहने कब रखते थे, सोने को जाकर किसी व्यापारी के पास कब रखा जाता था, जब दाने की घर में कमी हो जाती थी घर का दिवालिया निकल जाता था, जब जाकर सोने को हम गिरवी रखकर आते थे। मेरे इतिहास में पहली बार है भारत के अंदर कि हमें 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का सोना बैंक में गिरवी रखना पड़ा कि इस देश की अर्थव्यवस्था को हम संभालने का काम करें। ये तो गांव का आदमी भी समझ जाएगा कि जब देश 1.5 लाख करोड़ का कर्जा अपने सोने के प्रति ले रहा है तो आज देश की अर्थव्यवस्था की हालात क्या होगी। साथियों, आज उठाकर देखो, कोई एक ऐसा क्राइम की बात करें, आज नशा हर गांव तक पहुंचने का काम कर चुका है, चाहे वो शराब हो चाहे वो ड्रग्स। आज हम बात करें तो क्राइम की ले लो, हर रोज 1 मर्डर, 3 रेप और 4 आपके डकैती हमारे यहाँ पड़ती है। और जब कोई पत्रकार साथी भी आवाज़ उठाता है, कोई टीवी पे दिखाता है कि देखो मेरी ये रिपोर्ट, तो उसके ऊपर भी गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया जाता है, उसको भी धमकाने का प्रयास किया जाता है। साथियों, बीजेपी के पास तो 2 ताकत, मनी पावर 1,000 करोड़ रुपए 2017 के इनके इनकम टैक्स रिपोर्ट में लिखा गया है कि इनकी पार्टी को चंदा आया, और दूसरी ओर पर मीडिया पावर, ये छोटे पत्रकार साथी तो अपनी ओर से लिखते हैं, ये अपनी ओर से वीडियो भी भेजते हैं, पर ऊपर बैठे बड़े बाबू उसको काटने का काम कर देते हैं। मगर साथियों, एक चीज जो आपके पास है और बीजेपी के पास नहीं है, वो है मैन पावर, कार्यकर्ताओं की शक्ति। आप जैसे कार्यकर्ता किसी और पार्टी में नहीं, इसलिए निवेदन करता हूँ कि बीजेपी की इस मनी पावर के आगे, मीडिया पावर के आगे, अपनी मैन पावर के साथ अब सत्ता परिवर्तन कर दिखाओ कि दोबारा एक ही नारे के साथ आगे हम बढ़े कि किसान के मेरे आगे बढ़, जीत ले अपना चंडीगढ़ को फतेह करने का काम करे। और मैं तो आग्रह करूंगा नांगल चौधरी हल्के के हल्का अध्यक्ष से भी, मंजू चौधरी जी से भी, रोहतास जी से भी, चेयरमैन काशीराम जी से भी, गजय सिंह जी से भी, तमाम सीनियर साथियों से कि अब मैदान में उतरने का समय आ चुका, एक 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 वोटर तक पहुंचने का समय आ चुका। आज भागने विश्वास दिला दो कि एक एक साथी अगले 30 दिन पार्टी संगठन को और मजबूत करेगा,
और पूरी निष्ठा के साथ, लगन के साथ आप लोगों को ताकत से इस सीट को जिताने का काम करेगा। पिछली बार तो कभी कुछ भी नहीं रही थी, 980 वोटों से रह गई थी मंजू जी। साथियों, आज तो आपके पास मौका है सूद समेत उसका भी ब्याज उतारने का। आज जो ये लोग 75 पार की बात कर रहे हैं, मेरे से पहले वाले वक्ता कह रहे थे कि इनको ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, कोई ज्यादा नहीं। जो लोग कहे कि अब की बार 75 पार, कह दो हम तो राजस्थान के बॉर्डर पर रहते हैं, थोड़ा सा जोर लगा के राजस्थान बॉर्डर पार कराने का काम कर देंगे। और जिस दिन आपने बीजेपी को राजस्थान का बॉर्डर पार करा दिया, साथियों ये मेरा वादा है, इन लोगों को दोबारा हरियाणा प्रदेश के हालात बदलने का मौका नहीं देंगे। आज इनने हमें बांटा है, जातिगत तौर पर बांटने का प्रयास किया, धार्मिक तौर पर बांटने का प्रयास किया, इस प्रदेश में 80 बेगुनाह लोगों को सरकारी गोलियों से मारने का काम किया। इस प्रदेश के अंदर आज हम देखें तो 4 बार आग लगाने का काम किया। साथियों मौका मत चूकना, ऐसे लोग जो आपको बांट रहे हैं, आपको बांट के आपसी भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहे हैं, इनको कड़ा जवाब देने का मौका है। और एक होकर जब अपन की ताकत दिखाने का काम करेंगे तो ये विश्वास रखना, वो 980 वोटों से जो मंजू चौधरी थी पिछली बार रही थी, इस बार उसको हजारों वोटों से जिताने का प्रयास एक एक साथी मिलकर करने का काम करेगा। मैं तो यही निवेदन आपके बीच में करने आया था और तमाम